खीर, चावल की खीर, केसरिया खीर, ड्राई फ्रूट्स खीर, किसी व्रत त्योहार पर, खुशी के मौके पर या ऐसे ही कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो हम खीर बनाना पसंद करते हैं। चावल, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि जिंदगी के सारे रंग और ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आने वाला। स्वागत और अभिनंदन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब एक बड़ा बर्तन ले और उसमें एक लीटर दूध डालकर गैस पर मीडियम आंच पर रख दे। मैंने यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल किया है, भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को 3/4 होने तक उबाले। अब इसमें 2 तेज पत्ते डाल दे। अब आप कहेंगे खीर में तेज पत्ता कौन डालता है। दूध में तेज पत्ता डालने से खीर का स्वाद और भी अच्छा होगा और खीर गाढ़ी भी बनेगी। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम शॉर्ट ग्रेन राइस या गोविंद भोग चावल का इस्तेमाल करें, इससे भी खीर का स्वाद अच्छा होता है। दूध में उबाल आने दे। अब गैस को लो फ्लेम पर कर दे। थोड़ी थोड़ी देर में खीर को चलाते रहें। खीर बर्तन की तली से चिपकना नहीं चाहिए और दूध में उबाल भी रहनी चाहिए। में इलायची का पाउडर डाल दे या इलायची को कूट कर डाल सकते हैं। अब इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालें। मैंने कुछ कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। कटा हुआ काजू भी डाल दिया है। मुझे खीर में चिरौंजी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो वो भी डाल दिया है। खीर को लगातार चलाते रहिए। ये हमारी खीर का खास इंग्रेडिएंट्स है। थोड़े से केसर को गर्म दूध में थोड़ी देर के लिए भिगो दो, इससे खीर का कलर और खुशबू दोनों ही अच्छी हो जाती है। दूध में चावल 75% तक पक चुकी है और दूध भी गाढ़ी हो गई है। जब इस तरह का टेक्सचर आपके खीर का हो जाए तब आपको चीनी डालनी है। पहले अगर चीनी डाल देंगे तो चावल नहीं पकेगी। अब दूध में चीनी घुलने का इंतजार करें। 5 मिनट और पकाएं और गैस का फ्लेम बंद कर दें। अगर आप खीर में किशमिश डाल रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में डालें। तो किसी खास मौके की तलाश क्यों करें? आज ही बनाएं चावल की खीर बिल्कुल आसान और ट्रेडिशनल तरीके से। खीर ना ठंडी ठंडी ज्यादा अच्छी लगती है तो इसे पहले रूम टेम्परेचर पर करें, फिर फ्रिज में 2 से 3 घंटे रहने दें। खीर का स्वाद ना मिट्टी के बर्तन में और भी बढ़ जाती है। इस तरह की कटोरियां मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी, आप उसमें सर्व करें। पिस्ता, बादाम और केसर से गार्निश करें। अब फिर क्या, बनाइए खीर और परोसिए भी खीर। ऐसी ही हेल्दी, इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।